आज हमारी टीम बाजार में पहुंची हुई है जो हसनपुरा का है, और आज छठ का अंतिम दिन है, या कि कह सकते हैं कि आज ही छठ है 10 नवंबर को, और आज छठ के अंतिम दिन देख सकते हैं कैसे बाजार में भीड़ लगी हुई है। लगातार कई दिनों से छठ की तैयारियां चल रही हैं और आज भी देखा जा रहा है कि मार्केट में काफ़ी भीड़ है, और आज अंतिम दिन होने के बावजूद भी मार्केट में अभी तक लोग खरीदारियां कर रहे हैं और दुकानदारों का भी दुकान सजा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस छठ के मौके पर पूरे बाजार को लाइटिंग से सजाया गया है, और इस छठ के मौके पर बाजार भी सजी हुई है, और 2 सालों के बाद दुकानदारों के चेहरे पे मुस्कान देखा जा रहा है, क्योंकि इस कोरोना काल में लोगों ने छठ या कोई भी त्यौहार, ईद हो गया, होली हो गया, इन सब त्यौहारों में लोगों ने खरीदारी नहीं किया था, लेकिन इस छठ के मौके पे आप देख सकते हैं कि सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस में कुछ छूट दी है। उसके बाद आज बाज़ारों में भीड़ देखी जा रही है, पूरी मार्केट सजी हुई है, और अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट में लगातार लोगों की खरीदारियाँ चल रही है, जबकि आज 10 नवंबर है और आज ही छठ है, और आज लगभग 1 बज रहा है, और 1 बजने के बावजूद भी लोग मार्केटिंग में खरीदारी कर रहे हैं। और देखिए ये बाज़ार है, और इस बाज़ार में लाइन से लगी हुई दुकान, और देख सकते हैं कि बाज़ार रोड में लगातार ऐसे भी जाम की स्थिति बनी रहती है नगर पंचायत होने के बावजूद भी, लेकिन आज काफ़ी भीड़ भी देखा जा रहा है। और आज देखिए थोड़ा सा दुकानदार लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आज छठ के मौके पे काफ़ी दिनों से आप लोगों की दुकानदारी डाउन हो गई थी, अब कैसा लग रहा है? वह नरम गरम चला है, ठीक चला है। अच्छा। इस बार तो काफ़ी भीड़ देखी गई मार्केट में, वह सब गाड़ी के लेकर सब जाम चल रहा है, इसीलिए थोड़ा कम चला है मार्केट। अच्छा। बिक्री कम चला है। बिक्री कम चला है? हाँ, इतना चलने के बावजूद भी बिक्री कम लग रहा है। हाँ, कम लग रहा है, गाड़ी वाले सब जाम लगा दे रहे हैं। हाँ, मेरा नाम है राजा। राजा है, केला बेच रहे हैं, और छठ के मौके पे केला हो गया या अनानास हो गया, इसको अनरसा भी बोला जाता है, और आप देख सकते हैं केला का पूरा चारों तरफ दुकान के ऊपर केला लगाया गया है, सेव हो गया, या छठ की जो भी सामग्री है सब खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं बाज़ार में, और बाज़ार में धमाधम ऐसे भीड़ भी काफ़ी देखा जा रहा है। कुछ कस्टमर भी आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं, कस्टमरों से थोड़ा सा जानते हैं कि इस बार कैसी तैयारियाँ चल रही है। भाई, आप दुकानदार हैं क्या? हाँ, बोलिए। मतलब इस बार छठ में देखा जा रहा है कि एक दुकान में 2-3 लोगों को रहना पड़ रहा है, तब जाकर दुकानदारी चले, इस बार बहुत ज़्यादा? वो तो हर साल हम लोग रहते हैं 2-4 आदमी एक दुकान पे। 2 सालों तक जो कोरोना काल रहा, उस साल तो कोरोना काल में बंदी था, इसके लेकर छठ का दुकान लगा ही नहीं। कोरोना काल के बाद दुकानदारी फिर आ गई है उसी जगह? हाँ, आ गई उसी जगह पे। हाँ, मार्केट ठीक है। इल्तिजा अख्तर जी, छठ के लमसम अभी फिलहाल तो वही 2-3 दिन से, मतलब काफ़ी जोरों शोर से मतलब चल रही है 2-3 दिन से, और बाकी आज तो देख ही रहे हैं आजकल के हिसाब से, कल के तुलना से आज थोड़ा कुछ ज़्यादा भीड़ है कल के हिसाब से। 3 दिन है, आज ही छठ है। हाँ, आज शाम वाला छठ है। हाँ, भीड़ आपको समझ लीजिए, वो आप मोड़ से लेकर यहाँ तक मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आज, और आज मान लीजिए आज जो है आज ही है, आज ख़त्म हो जाएगा, ये शाम वाला आज है, और मॉर्निंग में जो है तो फाइनल हो जाएगा। तो मार्केट में मतलब आज खचाखच भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और इधर का आदमी बस वही सब ठीक है। सुनील कुमार जी, देख सकते हैं कि लोग अभी आज अंतिम दिन है छठ का, खरीदारी का, लेकिन आज अंतिम दिन भी बाज़ार में खचाखच भीड़ भरी पड़ी है, और इस बाज़ार रोड में आपको बता दें कि अगर 4 चक्का अगर दोनों तरफ से आ जाए तो जाम की स्थिति बन जाती है, और नगर पंचायत होने के बावजूद भी अभी तक प्रशासन इसके ऊपर कोई व्यवस्था लोगों को नहीं कर रही है, और देखा गया कि छठ घाटों पे भी लोगों को जो व्यवस्था मिलना चाहिए, जो साफ सफाई हो गया या किसी भी प्रकार का कोई काम हो गया, उसके लिए सरकार या नगर पंचायत के जो लोग हैं वो छठ घाटों पे कोई साफ सफाई का व्यवस्था नहीं दिया, जो खुद जो छठ घाट पे जो लोग हैं वही लोग उस साफ सफाई का काम करवाएं अपने तरफ से, उनकी नाराज़गी भी देखी गई। और लगातार आज अंतिम दिन है छठ का, और उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि बाज़ार सजी हुई है, एक तरह से दुल्हन की तरह सजी हुई है, और लाइटिंग का भी अच्छा व्यवस्था देखा जा रहा है, और छठ घाट का जो नज़ारा है बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। और आप देख सकते हैं कि इस बार लोगों ने अच्छे तरीके से छठ पूजा जो है वो मना रहे हैं, और देख सकते हैं कि दुकान भी काफ़ी सजी हुई है, ये केला हो गया, अनानास हो गया, ये और भी कई तरह के फल हैं,
और भी जो सामग्री होती है छठ की पूजा के लिए, लोग व्रत रखते हैं, व्रत के तोड़ने के लिए जो भी खाने पीने का जो सामान होता है वो खरीदते हैं। और आज बाज़ार में भीड़ भी काफ़ी देखा जा रहा है। थोड़ा सा कुछ लोग आए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या मार्केटिंग करने के लिए आए? जी, मार्केटिंग करने आए हैं। तो छठ का अंतिम दिन है, आज ही छठ है, तो आज भी देखा जा रहा है मार्केट में काफ़ी है। हाँ, काफ़ी भीड़ है। हाँ, कहाँ से आए हैं? करमासी से हैं जी। क्या लेना है आप? ये सामान लेने आए खतिया हैं, भगवती सामान लेने के लिए आए हैं। ये सब देखा जाता है कि छठ में महिलाएं जो होती है व्रत रखती हैं, क्यों रखती हैं? छठ पूजा का मतलब पौन बड़ा भेज लिए रखती है, हम उतना मालूम नहीं हमको ना। कितना क्या अभी क्वालिफिकेशन अभी माई इंटर है। हाँ, इंटर होने के बावजूद भी इनको नहीं मालूम है। चलिए कोई बात नहीं है, छठ जो पूजा है इसमें महिलाएं व्रत रखती हैं अपने बच्चों के लिए, लंबी उम्र होने के लिए या लाइफ में अच्छे मुकाम के लिए, मेरा लड़का अच्छा कुछ करे उसके लिए लोग छठ रखते हैं। थोड़ा इनसे भी बात करते हैं। क्या हाल है भैया? छठ पर्व चल रहा है, हम लोग बहुत सब सामान खरीद रहे हैं, देख रहे हैं सब, और काफ़ी भीड़ भड़ा है, और सब महापर्व में हम लोग कर रहे हैं सब। कितने दिनों से छठ की तैयारियाँ? 36 घंटा के लिए चलता है ये। दिनों से तैयारियाँ चल रही है यार, 15 दिन से चल रहा है, 15-20 दिन से चल रहा है तैयारियाँ। आज तो छठ का अंतिम दिन है, आज ही छठ है, तो आज तक तैयारियां कब तक खत्म हो जाएगी? ये शाम 5 बजे तक ले खत्म हो जाएगा। अच्छा, देखा जाता है कि छठ में महिलाएं जो है व्रत रखती हैं, क्यों रखती हैं? छठ टाइम में व्रत रखती है अपना पुत्र के लिए, पति के लिए, ये सब के लिए अपना करती हैं सब। जैसे कि पुत्र हुआ, पति के हुआ, ऐसे ऐसे जो है ना व्रत में लिए अपना, ये सूर्य का उपासक दीनानाथ को उपासक लिए किया जाता है। घर का है? हमारा घर है उसरी है, नाम वीरेंद्र शर्मा है। देख सकते हैं कि छठ की तैयारियां पूरी कर रहे हैं लोग, और आज ही छठ है, 10 नवंबर है, और 10 नवंबर में 10 नवंबर की जो रात्रि होगी सूरज ढलने से पहले लोग छठ घाट पे जाएंगे, और सूरज ढलने के बाद लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, फिर मॉर्निंग में यानी कि सुबह में सूर्य निकलने से पहले लोग छठ घाट पे पहुंच जाएंगे, जो भी होगा उनका क्रिया और जो भी उसका पूजा का जो भी काम होगा वहाँ पे छठ घाटों पे किया जाएगा, और उसके बाद जब सूर्य निकलने लगेगा उसके बाद लोग अपने अपने घर पे रवाना हो जाएंगे। तो ऐसे ही हर खबर को देखने के लिए BNP लाइव को सब्सक्राइब करें। मैं समीर हाशमी, मेरा कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ, हसनपुरा बाजार रोड, सीवान।